नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की एक नई नोटिफिकेशन के बारे में। 26 वैकेंसी जो कि सिविल इंजीनियर की आई है, तो कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो इस वीडियो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन जो कि फॉर्म आप आज 29 मई से फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट 25 जून इसकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 की अगर रिक्रूटमेंट है तो कौन से डिपार्टमेंट में आई है, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिविल की वैकेंसीज आई है, तो कितनी वैकेंसीज है, तो 26 है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हैं जो कि यहाँ पे दी गई है। और ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है। एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, दूसरा यहाँ पर आपका पर्सनल इसमें होगा। तो यहाँ पर बोनिफाइड हिमाचली वगैरह थोड़ा सा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए MPP एंड पावर HPPCL में सारी की सारी वैकेंसीज आई है, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल। तो यहाँ पे 26 वैकेंसीज है, अनरिजर्व के लिए 10 वैकेंसीज है, और वहीं पे फ्रीडम फाइटर अनरिजर्व के लिए एक है, और हेयरिंग एम्पायर्ड ऑफ HP के लिए एक वैकेंसी, और शेड्यूल कास्ट ऑफ HP के लिए 5 वैकेंसी है, और ST के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, और एक्स सर्विस मैन के लिए एक वैकेंसी है, और OBC के लिए 4 वैकेंसी, और EWS के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 वैकेंसी है। जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग की फुल डिग्री मांगी गई है, अगर MTech है तब भी एलिजिबल हो आप, अदरवाइज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइड्रो पावर प्लांट तो इंस्टीट्यूटर। तो यहाँ पे 55% में आपके मार्क्स होने चाहिए और 60% अदर कैटेगरीज। तो यहाँ पर बोला गया है अगर आपके पास है हाइड्रो पावर डिप्लोमा है या MTech है यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट में, तो यहाँ पे 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और 60% होने चाहिए यहाँ पे HPPCL इंटरनल। तो यहाँ पे बात ये कही गई है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है फॉर इंटरनल कैंडिडेट AMI अगर किसी ने की है तो 2013 से पहले की होनी चाहिए, तब आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अगर किसी के मार्क्स कम हैं 55% और 60% से, तो उनके लिए यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है। अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं सॉरी जो कि अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग HPPCL से करी है तो आपको 2% की यहाँ पे मार्क्स में छूट दी जाएगी। तो SC ST के लिए 55% जो कि मांगे गए थे, और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे डिग्री में 60% मांगे गए थे हाइड्रो पावर प्लांट में अगर किसने किया हुआ है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो यहाँ पर आपको 2% की यहाँ पर छूट दी जाएगी अप्रेंटिसशिप के दम पर। तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन तो आप सभी को पता 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो वही यहाँ पे सेम दिया गया है। और एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल, और बाकी यहाँ पे अदर कैटेगरी वगैरह के लिए छूट दी गई है, OBC के लिए भी छूट दी गई है, और अब अगर अप्रेंटिसशिप की है तो 2 साल की आपको और छूट दी गई है किसी भी कैटेगरी से आप क्यों ना हो। एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह यहाँ पर दी गई है, सारे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ीस क्या रहेगी, तो फ़ीस वही रहेगी आपकी अप्लाई हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 400 रुपये रहेगी, अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपये की, अगर आप हिमाचल प्रदेश के SC ST तो यहाँ पे आपकी 100 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। और यहाँ पे EWS जो कि BPL वाले हैं आते हैं उनके लिए भी 100 रुपीज़ रहेगी, अगर आप EWS सिंपल EWS या BPL वह रही है तो आपकी 400 रुपये रहेगी। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं, अगर कोई ब्लाइंड एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए भी कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगी। तो आपको ये बता दी हमने 26 वैकेंसीज की जानकारी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर के क्वेश्चन पेपर तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। धन्यवाद।